हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल चौहान और आप है मेरे चैनल अनिल सिरमौर पर। तो वैसे तो नोटिस डाला हुआ है, फिर भी कि प्रोसेस जो है और सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन का क्या रहेगा, इसके बारे में बताएंगे। उसके अलावा और भी सारी बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आपकी रहती है, तो उसको भी हम चैनल के माध्यम से आपको मैं और इजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। और तो अभी बताएंगे कि जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का और सेमेस्टर के लिए, जो कि यूजी पीजी और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में ऑलरेडी नोटिस जो है एनआईटी की वेबसाइट पे आपके लिए उपलब्ध है, आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन उसको और अच्छे ढंग से बताने के लिए, ताकि इसमें जो भी आपको क्वेरीज जैसी लगती है, डाउटफुल क्वेरीज है, जिसके आप जो है अपने डाउट क्लियर करना चाहते हैं, आप मेरे कमेंट के मेरे जो डिस्क्रिप्शन पे नीचे या मेरे उस पर कमेंट करिए यूट्यूब चैनल पर, और आपको उसके हम ऑथेंटिक रिप्लाई देने की कोशिश पूरी पूरी करते हैं। तो देखिए, जो ऑड सेमेस्टर का जो यूजी थर्ड फिफ्थ सेवन्थ और नाइन्थ जो सेमेस्टर है यूजी के, थर्ड फिफ्थ और सेवन्थ एंड नाइन्थ, और पीजी का थर्ड सेमेस्टर है एंड पीएचडी के सभी ऑल, जो भी एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये 25/7/2022 से शुरू होने वाला है। इसी महीने जुलाई में 25 तारीख से ये आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो जो भी आपका एज पर द एकेडमिक कैलेंडर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो सबको आपको पता है। तो क्या क्या चीजें हैं उसमें मैं आपको बता देता हूं, और सारा जो प्रोसीजर है उसको आप लोग फॉलो करेंगे। जो भी प्रोसीजर है, जो जो पॉइंट्स है, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले नंबर पे है, स्टूडेंट शैल यूज रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग जुलाई 2022। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको रजिस्ट्रेशन पे, जैसे आप एनआईटी की वेबसाइट पे जाएंगे वहां पे आपको ये मिल जाएगा। कहां कहां पे मिलेगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गलत भर देते हैं, जबकि आराम से आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरेंगे, अपनी डिटेल उसमें भरिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जब वहां पे, सबसे बड़ी बात है कि जब वहां अकाउंट नंबर पूछा जाता है तो अपने पेरेंट्स के दे देते हैं। देखिए, आप जो है अपना, आपका अपना बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर उस पर लिखिए, ताकि जो भी एनआईटी की ओर से आपको रिफंड मिलना होता है वो आपके अकाउंट में ही मिलता है, किसी दूसरे के अकाउंट में वो नहीं जाता है। तो यहां सबसे इजी बात है कि आप यहां पे, मैंने यहां बैंक मैनेजर से भी बात की, इतना सपोर्टिव स्टाफ है जो स्टेट बैंक ब्रांच का हमारे एनआईटी हमीरपुर में, कि किसी को लोन की भी दिक्कत है, कोई लोन अगर बनाना चाहता है तो आप डायरेक्ट, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर डाल दूंगा, बैंक मैनेजर जो है एनआईटी ब्रांच के, उन्होंने बोला है मेरे से बात करिए कि वो कोई भी किसी को भी लोन की अगर जरूरत, एजुकेशन लोन की जरूरत रहती है, और जिसका एडमिशन एनआईटी हमीरपुर में होने जा रहा है या हो रहा है, वो डायरेक्ट मेरे को, अगर घर पे भी आप उनके फोन पे बात करिए, ऑनलाइन आपको व्हाट्सएप पे वो डॉक्यूमेंट मंगा लेंगे, जो जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, और आपको लोन यहां से दे देते हैं। सबसे इजी प्रोसेस है यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना, आपका यहां पे कम से कम खाता होना चाहिए, ताकि आपका जो भी चीजें हैं रहे, क्योंकि इसमें साफ लिखा है, फॉर एनी डिस्क्रिपेंसी द कंसर्न स्टूडेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल। तो अगर कोई भी फॉर्म में, जो आपका फॉर्म इसमें अटेस्ट है, अगर फॉर्म में कोई गलतियां होती है तो वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। दूसरा, आफ्टर फिलिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, पूरी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको जो है, जो आपने फीस दी है, इंस्टीट्यूट फीस दी है वो, इसके बाद इंस्टीट्यूट फी के बाद आपको हॉस्टल फी नोटिस भी उसमें डला हुआ है, उसको भी देना पड़ेगा आपको। इंस्टीट्यूट की फीस लगा के आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ जो आप इंस्टीट्यूट की फीस दोगे, चाहे वो, अगर मान लो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, या कोई लो इनकम का है, या कोई एससी का है, एसटी का, जो भी फी वेबियर आप पे अवेल करते हैं, उसका आपको प्रूफ लगाना होता है उसके साथ, वो वैलिड प्रूफ इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मान लो तहसीलदार है, एसडीएम है, इनसे जो जो आपके सर्टिफिकेट्स है, मान लो एसटी है तो एसटी का रहना चाहिए, एससी है एससी का रहना चाहिए, ईडब्ल्यूएस है ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए, जो भी जिस सर्टिफिकेट पे भी आप जो फीस कम आप दे रहे हो, वो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ अटैच होना चाहिए। क्लियर? फिर है
उसके बाद आपको वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म देना कहाँ है, तो देयर आफ्टर द स्टूडेंट शैल सबमिट देयर फिल्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलोंग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू देयर रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन इंचार्ज। रजिस्ट्रेशन इंचार्ज होंगे, और रजिस्ट्रेशन इंचार्ज कौन होंगे, आपके अपने जो भी आपका सेंटर है डिपार्टमेंट में है, और इनकी लिस्ट भी नीचे आप जब लेटर को पढ़ोगे तो नीचे आपके डिपार्टमेंट वाइज जो रजिस्ट्रेशन इंचार्ज है उनको दी हुई है, आप वहां पे देख सकते हैं। इसके बाद किसी की किसी तरह की भी जो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपकी क्वेरी रहती है, तो अगर कोई दिक्कत रहती है या आपने गलती से गलत फिल कर दिया है, तो आपको अपने डिपार्टमेंट हेड या जो रजिस्ट्रेशन इंचार्ज है उससे बात करनी पड़ेगी, ठीक। और अब है फीस सबमिशन की जो शेड्यूल है, ये 18 तारीख से शुरू है, 18 जुलाई से शुरू है और 22 जुलाई तक है। आपकी जो फीस है इंस्टीट्यूट की फीस, ये 18 से 22 तक ऑल द स्टूडेंट आर एडवाइज टू सबमिट फी ड्यूरिंग पीरियड ओनली। 18 से 22 को आपने फीस सबमिट करनी है। In case student deposit after the scheduled date is a fine will be imposed on ₹500 per day। अगर आपने 22 तारीख के बाद फीस सबमिट करी है करते हैं तो ₹200 पर डे के हिसाब से आप और फीस जमा कराएंगे। All the students are advised to register themselves on the date mentioned in the academic calendar। और खुद को आपने जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका 25/7/2022 पीएचडी और पीजी के लिए है, जो पीजी के स्टूडेंट है और पीएचडी के स्टूडेंट है वो 25 तारीख को आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एंड 26/7/2022 फॉर यूजी ऑल सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर के लिए जो यूजी के लिए डेट है वो है 26 तारीख की। और अगर किसी तरह से भी कोई भी बच्चा इन डेट को जो अभी डेट बताई इस डेट में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता है, तो उसके बाद ₹200 पर डे के हिसाब से आपको फाइन वो अलग से देना पड़ेगा। और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद फाइन, फाइन के बाद भी आपकी लास्ट डेट है वो है 2 अगस्त 2022। तो 2022 तक आप ₹200 पर डे के हिसाब से जितने दिन लेट होते रहेंगे उतने दिन का आपको चार्ज देना होगा। बाकी रजिस्ट्रेशन इंचार्ज के लिए है कि ये सारा डिटेल देंगे। और इसके बाद नीचे आपने आप वेबसाइट पे देख लिया होगा बहुत सारे लोगों ने, लेकिन फिर भी कोई ऐसी क्वेरी या डाउट रहता है तो मैं आपको बता देता हूँ। डिपार्टमेंट वाइज रजिस्ट्रेशन इंचार्ज के नाम है लिस्ट में, मैं डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा, वहां भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज वेबसाइट पे है, ये सारा कुछ है। और दूसरी बात है कि अभी एनआईटी हमीरपुर ने आपका जो ब्रांच कोर्स है चेंज करने की बात के लिए डाला हुआ है, तो बहुत सारा भाई हॉस्टलर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोग अपना स्ट्रीम चेंज कर देते हैं, आपके रोल नंबर चेंज हो जाते हैं। तो जब भी आपका ये रिक्वेस्ट है सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे नए हैं पुराने हैं, अगर किसी भी बच्चे का आपने हॉस्टल ले लिया है पुराने रोल नंबर के हिसाब से, उसके बाद आपका स्ट्रीम चेंज हो जाती है, आप ब्रांच चेंज करते हैं या जो भी आपका रोल नंबर यदि चेंज हो गया, सबसे बड़ी बात है, तो रोल नंबर चेंज होने के बाद जिस हॉस्टल में जाएंगे या जिस हॉस्टल में आप रह रहे हैं, आप वहां पे जाके अपना रोल नंबर अपडेट करा लें, क्योंकि आपकी बाद में आप चले जाते हैं रोल नंबर वही चलता रहता है जब तक आप हमें नहीं बताएंगे, और उसके चक्कर में आपकी जब सिक्योरिटी और सारी चीजें हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, आपका नाम कुछ आता है रोल नंबर कुछ आता है, तो उसी वेरिफिकेशन में बड़ा टाइम बेकार हो जाता है। तो जिसने भी अपना रोल नंबर या ब्रांच चेंज कराई है वो अपने हॉस्टल में जा ऑफिस में जाके विद प्रूफ अपना जो रोल नंबर है उसको अपडेट करा दें, प्रूफ के लिए आपको आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो चल जाता है, ये सारी चीजें। दूसरा है कि हॉस्टल फीस के बारे में, तो हॉस्टल फीस का नोटिस जो है वेबसाइट पे डाला हुआ है, उस हिसाब से आप पहले ही SBI कलेक्ट के माध्यम से जो जो जिस हॉस्टल में आपको अलॉट हुआ है उस हॉस्टल के अकाउंट में पहले ही एडवांस में फीस डाल के आए, ताकि जब आप हॉस्टल में आएंगे तो डायरेक्ट आपको रूम मिल जाए, फिर आपको ना बहाना रहता है कि मैं रात को आया दिन को आया, क्योंकि इस बार जो प्रशासन है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, और फिर आप बोलेंगे रात को आ गए और फीस नहीं जमा हुई तो मुश्किल हो जाएगा। आप लोग सारे लोग जो भी है जब वापस आते हैं तो काइंडली
जो भी आपकी फीस है वो सबमिट करके आए, और बाकी जो नए आने वाले हैं चाहे वो फर्स्ट ईयर है, पीजी है चाहे यूजी है, उनके लिए मैंने पहले भी बोला हुआ है कि अपनी फीस जो तो है पीजी वो बॉयज उदयगिरी हॉस्टल में है, वो उदयगिरी हॉस्टल में अपनी फीस जमा करेंगे और फीस का नोटिस डाला हुआ है। और जो है पीजी गर्ल्स है वो अरावली हॉस्टल में अपनी फीस जमा कराएंगे, सतपुड़ा हॉस्टल का ए ब्लॉक उनके लिए है लेकिन फीस अरावली हॉस्टल के अकाउंट में डाल के आएंगे। इसके बाद है यूजी फर्स्ट ईयर, तो बॉयज कैलाश बॉयज हॉस्टल के अकाउंट में अपनी फीस जमा कराएंगे जब उनका काउंसलिंग वगैरह हो जाएगी, अभी तो एग्जाम ही चले हुए हैं, अभी एक और जेई का एग्जाम होगा उसके बाद ही काउंसलिंग शुरू होगी फिर, लेकिन वो कैलाश बॉयज हॉस्टल के अकाउंट में अपना पैसा डालेंगे। और जो गर्ल्स है वो अंबिका गर्ल्स हॉस्टल में डालें। इसके बाद भी कोई ऐसी क्वेरी रहती है जो छूट गया हो हमारे से तो आप जो है मेरे चैनल पर आप कमेंट करके बताइए, आपको सारी चीजों का आराम से हम जो है सॉल्यूशन देंगे, ऑथेंटिक सॉल्यूशन देंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो और जो भी इश्यू से रिगार्डिंग कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती है वो आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।